परीक्षा के तत्कालीन हालातों को देखते हुए मैं ये चंद लाइनें कहना चाहूंगा। अच्छा, कि अब चारों तरफ एग्जाम का साया है, अब चारों तरफ एग्जाम का साया है, एग्जाम के दिनों में सुख किसने पाया है, अब चारों तरफ एग्जाम का साया है, एग्जाम के दिनों में सुख किसने पाया है, और लोग कहते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे दिन नहीं आए, है ना। लोग कहते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अभी नहीं कौन समझाया कि ये समूह माया है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले जरा दिल से महसूस करिए ये गाना। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेपरवाह। तो कि ये गाना जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपकी भी इंतजार की घड़ियां जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया। तो दोस्तों, इस टाइम टेबल को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन था बच्चों में कि वास्तव में ये टाइम टेबल रियल है या फेक है, क्योंकि अभी ठीक कुछ ही समय पहले ये एक पीडीएफ रूप में काफी तेजी से वायरल हो रहा था अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। मुझे भी कई लोगों के मैसेज आए जिन्होंने ये पूछा कि सर क्या ये वास्तव में रियल है या फेक है। मैं इस पर अगर ये बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि अगर आप इस टाइम टेबल को देखेंगे तो इस टाइम टेबल के पीडीएफ में सबसे ऊपर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो इस बात की जानकारी देता है कि ये टाइम टेबल बिल्कुल रियल है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि परीक्षाएं कौन सी क्लास की कब से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको बगल में दिख रहा है ये क्लास 10 का जो है वो पीडीएफ है उस टाइम टेबल का, जो अभी अभी वेबसाइट ने जारी किया है। और ठीक इसके बगल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 के लिए भी टाइम टेबल लगा हुआ है। दोनों परीक्षाएं जो स्टार्ट होने वाली हैं वो 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। अगर बात करें क्लास 10 की, तो क्लास 10 की परीक्षाएं 24 मार्च से स्टार्ट होकर के 11 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगी। और अगर बात करें क्लास 12 की, तो क्लास 12 की परीक्षाएं ठीक उसी डेट यानी 24 मार्च से स्टार्ट होकर के 20 अप्रैल तक खत्म मानी जाएंगी। अगर बात की जाए कि कितना दिन बचा हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो आज की डेट में जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस डेट के हिसाब से मात्र 16 दिन आपके पास और हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जिस भी विद्यालय में स्टडी कर रहे होंगे वहां पर सिलेबस समाप्त हो गया होगा। आपको पता है ना, केवल 16 दिन ही बचे हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 16 दिन बहुत कम है। दोस्तों, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी मेहनत की है, बस उसी को रिविजन करने की आवश्यकता है। अभी मात्र 16 दिनों में आप एक ही काम कर सकते हैं, उस चीज को रिवाइज किया जाए बार बार, जिससे कि परीक्षा का प्रेशर आप पे कम हो और आप परीक्षा में बेहतर नंबर गेन कर पाए।